नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से, चौधरी निर्मल सिंह जी की हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से, टीम की तरफ से आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज देश भर में कोरोना वायरस के चलते जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा है, आज उस लॉकडाउन का 5वां दिन है। मैंने इससे पहले भी आपसे कई बार इस पर बात करी है और हमेशा एक ही बात पर जोर दिया है कि ये जो कोरोना वायरस है, इससे लड़ने के लिए हमारे पास ना कोई इलाज है, ना दवाई है, ना वैक्सीन है और हमारे अस्पतालों में वेंटिलेटर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इससे लड़ने का एक ही तरीका है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सामाजिक दूरी हमें बनाए रखनी है, किसी भी कारणवश हमें हर वो बात अवॉइड करनी है जिससे हम किसी भीड़ के इलाके में या घर से बाहर जाएं, हम किसी और से मिलें या संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने का हमें मौका मिले। आज 5वें दिन में आते आते एक बात और का एहसास हो रहा है और वो ये है कि ये बीमारी एकमात्र चैलेंज नहीं है हमारे पास इन दिनों में, एक बहुत बड़ा चैलेंज और उठ के सामने आ रहा है। जो भी हमारे भाई हैं जो दिहाड़ीदार थे, डेली वेजर्स थे, हर रोज़ कमाते थे, हर रोज़ अपना चूल्हा चलाते थे, आज शायद घरों में बैठे बैठे ना उनकी इनकम हो रही है, ना उनके घर में इतने दाने बचे होंगे कि वो अपना घर चला सके। और इस मुश्किल से जूझने के लिए समाज, प्रशासन और इंडिविजुअल लोग आज हर तरफ तत्पर हैं मदद करने के लिए। तो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ मदद के बारे में, कि हम इसमें मदद कैसे दें और मदद कैसे लें। सबसे पहली मदद जो हम सब कर सकते हैं, जो आपको भी करनी चाहिए और वो अभी भी यही है कि हमने किसी भी कारणवश घर से बाहर जाना और आना और लोगों से मिलना, इस बात को जिस हद तक हो सके हमने अवॉइड करना है। बहुत से समाज सेवक अभी हम बाहर निकले हुए हैं, हमें ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनने हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है। ये मौका आज फोटो ऑप्स का नहीं बचा है, ये मौका ये नहीं बचा है कि हम मदद करते हुए दिखें और हमने इसलिए नज़र आना है। ये जो लड़ाई है ये 21 दिन तक चलेगी या इससे भी आगे चलेगी, ये बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है। और जो चैलेंज आज है, आप समझिएगा आज से हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये इससे भी ज़्यादा तादाद में होंगे, हमने अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने रिसोर्सेज को उस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रखना है। तो सबसे पहले आप मदद करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, इसमें भी सुरक्षित रहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हम मदद करना चाहते हैं। मैं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के सभी साथियों से कहूँगी, आप सबसे कहूँगी, समाज में सबसे कहूँगी कि अंग्रेजी में कहावत है कि काइंडनेस बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने घर में हमने मदद करनी है। हम सब के घर में, हमारे बिजनेसेस में, हमारी दुकान में, हमारी वर्कशॉप्स में, हमें पता है उन लोगों का जो हर रोज़ आते थे और अपना काम चलाते थे। हमारे पास उनके टेलीफोन नंबर्स भी हैं, हम उन्हें कॉल करें, उनसे पूछें, जिस तरह से हो सके उनकी दिहाड़ी ना काटें, कुछ हो सके तो माली मदद करें और जहां तक हो सके उनके घर के अंदर छोटा मोटा किराना सामान, चूल्हा चलाए रखने का जो भी जुगाड़ हम कर सकते हैं, हमने सबसे पहले यही करना है, क्योंकि हमें पता है वो कौन है जो ज़रूरतमंद है, हम उन तक सीधा हर ज़रूरतमंद की चीज़ को पहुँचा सकते हैं। बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं कि हम क्या करें, बहुत से हमारे साथी जो हैं बाहर जाकर बना बनाया खाना बांट रहे हैं। हमने प्रशासन से भी बात करी है, प्रशासन ने कहा है कि सूखे सामान की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, तो जहाँ तक हो सके हमने अपना सामान इकट्ठा करना है, उसको ले जाने के लिए प्रशासन और टीम्स आएंगी, उसको बांटने के लिए प्रशासन और टीम्स हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने आप को एक्सपोज करने से बचाने के लिए, अपने साथियों को, परिवारों को एक्सपोज करने के बचाने के लिए उस नंबरों का, प्रशासन की उस मदद का हमने इस्तेमाल करना है। अंबाला प्रशासन ने 4 नंबर निकाले हैं, 1 लैंडलाइन और 3 मोबाइल। मेरे मैसेज के साथ आपको टेक्स्ट में वो नंबर मिलेंगे। जो भी व्यक्ति मदद देना चाहता है उस नंबर पे कॉल कर सामान, मदद या जो भी वो कर सकते हैं वहाँ तक उन्हें कॉल करेंगे, वो लोग ऑर्गेनाइज करके आपसे सामान ले जाएंगे। ये तो रही हमारे घर से हम जो मदद कर सकते हैं। मेरी अपने सभी साथियों से गुजारिश है कि आप अपने आसपास, अपने बूथ पे, अपनी कॉलोनी में, अपने इलाके में थोड़ी नज़र रखें, पता रखें, जहाँ आपको लगे कि लोग ज़रूरतमंद बैठे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दें या उन 4 नंबरों पर दें, वहाँ मदद पहुँचाई जा सकती है। दूसरा मदद का है जो पहलू है, वो उन लोगों के लिए है जो मदद चाहते हैं। तो प्रशासन ने एक सिस्टम बनाया है, अगर आपको सामान की ज़रूरत है आप इन 4 नंबरों में से किसी पर कॉल करें, प्रशासन आपके आसपास के जो रजिस्टर्ड, उनके पास परमिटेड दुकान है, उन्हें कॉल करेंगे, दुकान वाले आपके टच में आएंगे और आपका सामान आप तक डिलीवर कराएंगे। ये हमारे सभी साधन संपन्न साथियों के। कुछ साथी जो बहुत गरीब हैं, मुश्किल में हैं, जिनके पास सामान खरीदने का नहीं है, उन तक प्रशासन इन्हीं नंबरों में से, इन्हीं नंबरों के थ्रू, इन्हीं नंबरों के जरिए प्रशासन उन तक खाना नहीं तो सामग्री पहुंचाएगा।
जितने भी हमारे साथी हैं HDF के, मैं सभी साथियों से कहूँगी, जितने हमारे सरपंच हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे बूथ के हमारी टीमें हैं, आप आसपास देखिए, जहाँ आपको किसी ज़रूरतमंद का जहाँ आपको नज़र आए, आप खुद कर सकते हैं तो खुद करें, हमें बताएं, और हम इकट्ठे होकर भी हमारा जो योगदान है। एक बार केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने एक कैंप लगाया था हमारी टीम ने, और हमने कमाल की मदद इकट्ठी कर ली थी, उसके लिए मैं हमारे साथियों की और अम्बाला की शुक्रगुजार हूँ। अब समय है अम्बाला के लिए, जो अम्बाला को खुद एक दूसरे के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है, अगर हम सिस्टमैटिकली चलें, अगर हम सेफली चलें, तो हम मदद भी पहुँचाएँगे और हम इस बीमारी को फैलने से भी रोकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जोश में, हमारे जुनून में, हमारे अच्छा करने की चाह में हम कुछ ऐसा कर बैठें जिससे हम सिचुएशन को और ख़राब करें, कहीं हम जाके संक्रमण को फैला बैठें। तो आप सबसे एक गुजारिश है, मदद के लिए सबसे पहले हमने सिस्टमैटिक मदद देनी है। दूसरा, अगर आप मदद पहुंचाना चाहते हैं, इन नंबरों पे कॉल करें, हमारी टीम हमें कॉल करे। अगर आप मदद पाना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, इन चार नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में हम किसी ना किसी तरह से हर घर में, हर व्यक्ति के पास, हर चूल्हे, हर पेट तक वो राशन और वो ज़रूरत की चीज़ पहुँचा पाएंगे जो हमें इस मुश्किल समय में पार लगा दे। और जल्द ही वो समय आए जब इस बीमारी से हम सब, हमारा देश मुक्त हो और एक बार फिर हम अपनी सामान्य ज़िंदगी आराम से जी सकें। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें, इन नंबरों पे ध्यान रखें। मदद करते दिखना इतना ज़रूरी नहीं है, मदद सही जगह पे सही व्यक्ति को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद।